हम लोग और नीलोफर एक ही गांव से थे. मुनीरगंज मेरठ जिला. कुछ 5 साल पहले की बात. बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था हमारा. वसीम, वसीम. हाँ साहब. दो पापड़ी देना. हाँ दे रहा हूँ. बड़ी मुश्किलात थी जिंदगी में, पर घर का माहौल हमेशा खुश रहता. और फिर हमारी जिंदगी में ये नीलोफर आ गई. हमें से किसी को मालूम नहीं था कि नीलोफर मेरे छोटे भाई इमरान के दिमाग में कीड़ा बनकर घुस गई थी. अमजद भाई, अरे वो जरूरी काम याद आ गया. पटा के आ जाऊँ क्या? अरे इमरान, आज इतवार है, इतना काम यूं ही रहता है. वो देख, 4 साइकिल मैंने लेके रखी है ठीक करने के लिए. अब बीच में काम छोड़ के कहाँ जाएगा तू यार? अमजद भाई, साइकिल का टेंशन मत लो, मैं आके सब कर दूंगा. बहुत जरूरी काम था, 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा. जा, लेकिन काम पटा के जल्दी आना. हाँ हाँ, पक्का. इमरान, कैसे आना हुआ? हेलो भाई, सब खैरियत तो है? जी जनाब, सब खैरियत है एकदम. जनाब, वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे. बोलो, क्या बात है? मैं निकाह करना चाहता हूँ नीलोफर से. अबू, मैं भी इमरान से निकाह करना चाहती हूँ. जावेद, तेरा बेटा आया था मेरी बेटी नीलोफर का हाथ मांगने के लिए. या उसको पता नहीं है कि तुम लोगों की बिरादरी अलग है, हमारी अलग? हाँ, हम लोग इज्जतदार लोग और तुम लोग सलील. कोई और होता जावेद मियां तो बोटियां कटती. इतवार की सुबह है, हम खराब नहीं करना चाहते. इमरान भाई, मेरे बेटे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ. गलती सिर्फ एक बार होती है, अगली बार हुई ना तो गुनाह, और हर गुनाह की सजा होती है. और इसको जवानी चढ़ी है ना इतनी, तो अपनी ही बिरादरी किसी लड़की को बांधे इसके पल्ले. फिर अगर मेरी बेटी के पीछे दिखाई दिया ना तो इस दुनिया में नहीं दिखेगा. बस चल. इधर आ, इधर आ, इधर आ. क्या है ये, क्या है ये? अब्बू, मैं नीलोफर से प्यार करता हूँ. अरे, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है. अब्बू, इमरान, दंगे छिड़ जाएंगे, सोचना भी मत. अरे बिरादरी वाले हुक्का पानी बंद कर देंगे. अरे उनकी बिरादरी अलग है, हमारी बिरादरी अलग है. कुछ दिमाग चलता है कि नहीं तेरा? अबू, मैं और नीलोफर ये जात पात नहीं मानते. अल्लाह ने सबको एक बराबर बनाया. ये सारी बातें सिनेमा में होती हैं. गांव देहात में जात बिरादरी सब मानना पड़ता है. मेरी बात मान, उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए दिल से निकाल दे. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे इमरान के निकाह से. उन लोगों की जात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग तो जश्न ही मनाएंगे कि बड़े घर की बेटी लाए हैं. लेकिन हमारी बिरादरी में सिर्फ नाक नहीं कटेगी, गले भी कटेंगे. मैं खुद काटूंगा अब्बू. एक बार भी अगर तुम दोनों को साथ देखा तो भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है और वो इमरान साला इंसान. चाहे फांसी हो तो हो, लेकिन ये निकाह तो कतई ना होगा. उस दिन के बाद इमरान और नीलोफर को गांव में किसी ने साथ नहीं देखा.
रातों रात दोनों भाग गए गांव छोड़कर। नीलोफर भगा कर ले गई मेरे भाई को। इमरान में तो इतनी हिम्मत थी नहीं, हमने उसे मना भी लिया था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, और वो मान भी गया था। लेकिन ये नीलोफर ने दिमाग घुमा दिया। फिर क्या करे कोई परे कोई, वो दोनों तो भाग निकले, गालियां और ताने खाने पीछे हम रह गए। हिसाब के बाहर बेचती हुई हमारे खानदान की, कोई मुझे काम नहीं देता था, अब वो जहां जाते वहां गालियां पड़ती। मेरी अम्मी और शाजिया को हमारी बिरादरी की औरतें जलील करती। हमारी बिरादरी में हम मजाक बन चुके थे, गांव में सब लोग ताने मारते थे। देखो देखो, बड़े जात वालों की बेटी को पकाकर बड़े बनने निकले। जीना दुश्वार हो गया था हमारा गांव में, इसलिए मैं साजिया को लेकर मुंबई चला आया। अरे भैया, एक डबल ऑमलेट बना के देना। भाई वो गैस खत्म हो गया, थोड़ी देर बाद आना। फिर यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा था, किस बात पे नाराज था तू? 1.5 साल पहले सबको ऐसा लगा कि सब कुछ सुलझ गया। इमरान गांव लौटा, फिर एक दिन गांव से उसने मुझे मुंबई फोन किया। हेलो वसीम भाई। इमरान? हाँ वसीम भाई। इमरान कैसे है तू है कहाँ पर? ना कोई फोन ना कोई खबर, खैरियत तो है? हाँ वसीम भाई, सब एकदम ठीक है। मैं एकदम ठीक हूँ वसीम भाई। वसीम भाई, मैंने और नीलोफर ने निकाह कर लिया गांव से भागने के बाद। हम लोग वापस गांव आए। बावला हो गया तू? अरे वो लोग मार डालेंगे तेरे को, तुझे तेरी बीवी को। नहीं वसीम भाई, वैसा कुछ नहीं होगा। नीलोफर के घर वालों ने हम दोनों को अपना लिया है। क्या? तुम्हें अपना लिया लोगों ने? गांव से भागने के बाद नीलोफर अपनी मम्मी से लगातार फोन पे बात करती थी। फिर जब उनको रेहान के बारे में पता चला तो उन लोग ने हमको माफ कर दिया और हमें वापस मिलने को बुलाया है। वसीम भाई, हेलो वसीम भाई, आप चुप क्यों हैं? मैं क्या बोलूं इमरान, बहुत याद आती है आपकी। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है भाई। अच्छा वसीम भाई, मैं सोच रहा था कि मैं भी मुंबई आ जाऊं आपके पास, वहां के कुछ काम वाम कर लूंगा। यहाँ मुंबई में इतना आसान नहीं है भाई, यहाँ गांव में भी तो कुछ करने को नहीं है। वसीम भाई, मुंबई आ जाऊंगा तो वहां पे आप हैं, मिनाज है, और आप लोगों को रेहान से भी तो मिलवाना है ना, आखिर आपका ही तो खून है। बस एक आप ही बाकी रह गए हैं जिनसे मैंने और नीलोफर ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। अरे छोड़ माफ़ी वाफी, मैं तुझसे कभी नाराज था ही नहीं। मेरा तू छोटा भाई है मेरा, आजा मुंबई आजा, तेरा भी घर बसा देंगे। इमरान पर मुझे कभी गुस्सा नहीं था, नफरत थी तो सिर्फ उस नीलोफर से, क्योंकि उसी की वजह से हमारे खानदान की बर्बादी हुई थी। चलो ठीक है, अब तो सब सही हो गया, धीरे धीरे इमरान की जिंदगी भी पटरी पर लौट आएगी, और मेरे दिल में भी जो भड़ास थी वो निकल गई उस इतवार को। अब सब सही हो गया, अब सुकून मिलेगा अंदर से। बस अब तू सिर्फ अपना मुंह बंद रखना, तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि नीलोफर के साथ क्या हुआ था। अब वो लौट के नहीं आएंगे। क्यों? शायद वो आना ही नहीं चाहती है। चल शाजिया, 2 मिनट रुकना, मैं चाबी दे के आता हूं। मैं नीलोफर से रोज बात करती थी, कभी उसने कोई भी बार ऐसा जिक्र नहीं किया कि कोई परेशानी है उसे। नीलोफर जब तक मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं बोलती, तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि वो मुझे छोड़कर चली गई। कहाँ
कहां खेल रहा है ये। आइए रेहान मियां, हम आपको बाइक पर घुमा के लाते हैं, चलिए। अच्छा क्या खाएगा? आइसक्रीम खाएगा कि चॉकलेट? सोच लो बेटा, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। आखिर कब तक इंतजार करोगे नीलोफर का? तुम तो खैर अपने गम में डूबकर जिंदगी जी लोगे। कभी उस मासूम रेहान के बारे में सोचा? उसके दिल पर गहरा घाव लगा है, अम्मी छोड़कर गई है उसकी। जब वो घाव कौन भरेगा? अकेले कहां से संभालेगा रेहान को? अरे उसे अम्मी की जरूरत है। और तुझे भी तो जिंदगी के लिए कोई चाहिए कि नहीं? अकेलापन जान पे आता है। एक काम करते इमरान, हम लोग यहाँ गांव में खुद का कोई काम शुरू करते हैं। और एक बार तेरा काम में मन लगना शुरू हो जाएगा तो पुरानी सारी बातें भूल जाएगा तू। जी सर। अरविंद, वो बिचाली औरत के केस का क्या स्टेटस है? सर पिछले हफ्ते अखबारों में इश्तेहार दिया था पर कोई रिस्पांस नहीं आया। 3 महीने से मॉर्ग में पड़ी है लाश, बिल्कुल लावारिस। किसकी हो सकती है? इंस्पेक्टर मैं समझता हूँ कि लाश को अब तक कोई क्लेम करने नहीं आया है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम मॉर्ग में भी इस लाश को ज्यादा देर नहीं रख सकते। डॉक्टर देखिए, अगर हम लाश को लावारिस समझ कर डिस्पोज कर देते हैं और उसके बाद कोई क्लेम करने आता है तो ठीक नहीं होगा। ओके इंस्पेक्टर, थोड़े दिन वेट कर लेते हैं। अरविंद। जी सर। एक बार फाइनल ट्राई करते हैं, अपने सारे आदमियों को काम पर लगा दो, इस लाश को एक नाम मिलना चाहिए। नीलोफर किसी के साथ भागी तो मुझे उसके ऊपर कभी शक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तू उसके प्यार में अंधा हो गया था ना। चल छोड़, जो हुआ उसे भूल जा। देख, एक लड़की है मुमताज, अच्छी है, तेरे रेहान के लिए सही अम्मी बनेगी और तेरे लिए सही बीवी और अपनी बिरादरी की भी है। अगर उसको उसको मेरी जिंदगी से जाना ही था तो बोल देती, मुझे तलाक ले लेती। देखिए इमरान, अतीत को तलाक दे दे और आने वाले कल के साथ निकाह कर ले, और तेरा आने वाला कल मुमताज है। नीलोफर का कत्ल आखिरी कदम था। उससे पहले वसीम ने इमरान और नीलोफर को अलग करने की कई कोशिशें की थी। इतना सोच मत, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नीलोफर से कैसे पूछूं। कुछ पूछना क्यों है, बस छोड़ दे। छोड़ दे? इमरान, तू रात रात भर जाग कर दिन रात डबल ड्यूटी करता है, पर वो तेरी नीलोफर तेरे जाने के बाद बन ठन के निकल पड़ती है। वसीम भाई, आपने देखा, कभी सुना कुछ? देखने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझदार आदमी को चाल चलन देखकर सब समझ में आ जाता है। कहाँ जाती हो मतलब?
मतलब ये कि जब मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो तुम कहाँ रहती हो? घर पर ही रहती हूँ इमरान, पर तुमने पूछा कि कहाँ जाती हो। हाँ मतलब कहाँ जाती हो? तुम तो पूरे दिन ड्यूटी पे होते हो ना इमरान, इसका मतलब जरूर किसी ने कुछ कहा है ना तुमसे मेरे बारे में। नाम बताओ इमरान, किसने कहा है तुमसे? नहीं किसी ने बोला नहीं, वो मैं अपनी मर्जी। इमरान मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ ना गांव छोड़, पर शक मत करो इमरान, दर्द होता है। निलोफर मैं बस ऐसे पूछ रहा हूँ। प्यार से पहले भरोसा आता है इमरान, मुझ पर शक करके मेरा तुम पर से भरोसा मत हो। कोई औरत सामने से अपने शोर को कैसे भूलेगी कि उसका चक्कर चल रहा है। वसीम भाई निलोफर मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो फिर सचती किसके लिए? सचती का मतलब क्या है? मेरे जाने के बाद सच दच के जाते का हर दूसरे दिन देखता हूँ, आज भी देखा, ऐसे ही इतरा कर चल रही थी, ऐसे कपड़े पहने थे। देखा है कभी तेरी शाजिया भाभी को, हमारी बहन मीनाज को देखा है ऐसे? नहीं। बस तो फिर मर्द बन मर्द, दे दे उसे तलाक। वो लड़की तेरे लिए कभी सही नहीं थी, ना पहले ना अभी। ये दिन ऐसा चांसे में लगी ना तुझे बर्बाद कर देगी। इमरान एक बात पूछो, ऐसे बताओगे? क्या पूछना चाहते हो इमरान? तुम सच सच बताओगे इमरान कि वो कौन इंसान है जो तुमसे ये कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कहीं जाती हूँ? वसीम भाई ने देखा है तुमको सरदर्द के जाते हुए। कहाँ जाते देखा है वसीम भाई ने मुझे? पता नहीं, शायद किसी से मिलने। किससे मिलने जाता देखा है इमरान? नाम बताओ। वसीम भाई ने नाम भी तो बताया होगा ना, चुप क्यों? नाम बताओ ना, किससे मिलने जाती हूँ मैं? वसीम भाई नाम बताइए, आपने मुझे किसके साथ देखा है? मैं क्यों बताऊँ, तू बता। गुलशन तू उड़ा रही है ना, बता आपने आशिक का नाम? हद में रहिए वसीम भाई, अपने भाई की बीवी पे इतना घटिया इंजाम। इज्जत से बात कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि इज्जत उतारना नहीं आता। इमरान के भाई ना होते ना तो क्या? तो औकात दिखा देती तेरे पति को। शाजिया बंद कर अपनी बकवास, तू बड़े बाप की बेटी होगी अपने घर में, यहाँ जुबान ना लड़ा, ये मेरा घर है। तेरा घर है ना, तो तेरे इस घटिया पति की जुबान पे लगाम नहीं ताला लगा दे ताला। अरे तुम जैसा बड़ा भाई होने से अच्छा तो बड़ा भाई हो ही ना जो अपने छोटे भाई का घर उजाड़ना चाहता है। अरे चुप कर, सबको पता है घर कौन उजाड़ रहा है, और एक ना एक दिन मेरे भाई इमरान को भी समझ में आ जाएगी बात कि तू कितनी बच्चरन और बेशरम औरत है। तो जैसा बेशरम आदमी शर्म की बात करे ना समझ में नहीं आता। बस कर निलोफर, बहुत हो गया, बस कर, निकल तू यहाँ से, निकल और अपना घर संभाल, यहाँ वहाँ मुंह मारना बंद कर। मुंह मैं नहीं मारती, मुंह ये तेरा लीचड़ पति मारता है। कायर कहीं का मेरे अब्दुल भाई और अब्बू के सामने ऐसे भीगी बिल्ली बन के बैठा था, यहाँ मेरे सामने शेर बन के खड़ा है, फूट डलवाना चाहता है मेरे और इमरान के बीच में। थोड़ा तुझ पे बड़ी बात की, हम लोग रिश्ता क्यों नहीं तोड़ देते इन लोगों से? देखा आपने अपने छोटे भाई की बीवी को कैसे जलील करके गई। शाजिया रिश्ता कैसे तोड़ दूं, इमरान खून है मेरा, भाई है मेरा छोटा, ये औरत उसके लिए ठीक नहीं है, ये बात समझता नहीं है बेवकूफ। वसीम भाई हमेशा हमारे बुरे वक्त पे साथ दिए, हमारी बहुत मदद किया उन्होंने। तो क्या वो मेरे बारे में इतनी गंदी और भद्दी बातें बोलेंगे? माफी तो मांगनी होगी निलोफर। मैं भी वही कह रही हूँ इमरान, माफी तो उन्हें मुझसे मांगनी होगी, वो भी उन्हें और शाजिया दोनों को माफी मांगनी होगी मुझसे मेरे घर आकर। अगर वो नहीं होते ना तो ये घर ही नहीं होता, आज मैं मुंबई में खड़ा हूँ तो सिर्फ उनके बदौलत। ये घर हम दोनों ने बनाया, अगर उन्होंने मकान दिखा दिया तो कोई एहसान नहीं किया हम पे, और वो जो हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश करे, हमारा घर तोड़ने की कोशिश करे, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्या रिश्ते की बात कर रही हो तुम, इतना कमजोर है हमारा रिश्ता? नहीं इमरान, बहुत भारी कीमत चुकाई है हमने हमारे रिश्ते की। अरे बाहर की दुनिया के रंग देखे हैं मैंने, पर अगर कोई अपना ही हमारे रिश्ते पे वार करना चाहे तो हमारा चौकन्ना रहना तो बनता है ना। कोई जरूरत नहीं तुमको चौकन्ना रहने की, वसीम भाई हमारा भला ही चाहते हैं, बहुत मदद किया उन्होंने हमारी, अभी सीधे सीधे चलो उनसे माफी मांगो, हमसे बड़े हैं वो। तू सच में अंधा और बहरा हो चुका था, ना कुछ देखा ना कुछ सुना। देख भाई अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है,
पूरी की पूरी जिंदगी बाकी है, समझ और संभाल अपने आप को, नए सिरे से जीना शुरू कर, हमेशा खुश रहेगा। नीलोफर को पहले से अंदेशा हो गया था कि उसका जेठ वसीम उसके और उसके पति इमरान के बीच दरार डालने की फिराक में है, लेकिन इमरान इस सच को कभी देख ही नहीं पाया और अब शायद ये मानने लगा था कि नीलोफर वाकई में उसे छोड़कर कहीं चली गई थी। उसे अपने ही बड़े भाई द्वारा खेला गया खेल नजर नहीं आ रहा था और इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि आखिरकार नीलोफर के साथ क्या हुआ था। पर क्या यह सच्चाई कभी दुनिया के सामने आ पाएगी? इंस्पेक्टर, 3.5 महीने हो चुके हैं और हमने उस बिछे वाली औरत की लाश अब तक संभाल कर रखी है। आई नो डॉक्टर, आई नो, लेकिन हाथ खड़े करने का दिल नहीं कर रहा। एक 40 से 45 साल की औरत का कत्ल हुआ है, वो भी इतने भयंकर तरीके से। मैं उसकी शिनाख्त करा कर उसके कातिलों को पकड़ना चाहता हूँ, उस औरत को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। मेरा एक सुझाव है। क्या डॉक्टर? अपने जेल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है। वो भी क्या करेंगे, लाश का चेहरा बुरी तरह से सड़ चुका है। हमारी नजरों में वो चेहरा सड़ गया है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट उस सड़े हुए मांस से एक पहचानने लायक चेहरा बना सकते हैं। मैं उनके पास बॉडी भेज देता हूँ, शायद कुछ बन जाए टेबल पर और फिर कोई पहचान ले। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है डॉक्टर। काफी मतलब काफी ज्यादा बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, मुश्किल लगता है। आई नो डॉक्टर सुनावने, ये मेरी आखिरी कोशिश है इस केस को सुलझाने की। मैं इस केस को अनसोल्व क्लोज नहीं करना चाहता। वैसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है ट्राई करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। यस डॉक्टर सुनावरे, एनीथिंग पॉजिटिव? पॉजिटिव है या नहीं ये कह नहीं सकता, बट पहले जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें एक रीडिंग गलत है। कैसी रीडिंग डॉक्टर? फर्स्ट पोस्टमार्टम के हिसाब से विक्टिम की एज 40 से 45 साल बताई गई है, बट मैंने ऑसिफिकेशन टेस्ट किए जिसके मुताबिक विक्टिम 22 से 28 के बीच की है। व्हाट, ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? ऐसा हो सकता है, अक्सर होता है। बॉडी इतनी ज्यादा फूल चुकी थी, इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी कि मिसकैलकुलेशन हो सकता है। आपकी करंट रीडिंग एकदम करेक्ट है? इंस्पेक्टर मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की है, सारे टेस्ट रिपीट भी किए हैं। विक्टिम 22 और 28 के आसपास की है। फिर तो मौत की टाइमिंग में भी मिसकैलकुलेशन हुई होगी। नो, मौत की टाइमिंग सही लिखी गई, लाश मिलने के 3 से 7 दिन पहले कत्ल हुआ है। थैंक यू डॉक्टर। अरविंद को बुलाओ जल्दी। अरविंद, हम गलत दिशा में ढूंढ रहे थे, वो बिछिया वाली औरत 40 से 45 साल की नहीं बल्कि 22 से 28 साल की। लेकिन सर पोस्टमार्टम? वो भी हमारी तरह इंसान है अरविंद, 19-20 गलती हो जाती है। उन्होंने अपनी गलती सुधारी, अब हमें अपनी गलती सुधारनी है। 22 से 28 साल की औरतों के जितने भी मिसिंग केस हैं सबकी फाइल खोलो। सर बॉडी हमें 10 जुलाई 2015 को मिली थी, तो 28 जून से ढूंढना शुरू करूं? सर ये मालती था, मैं उम्र 24 साल, 2 जुलाई से गायब है। तबस्सुम शेख 24 साल, 4 जुलाई से गायब है। इन दोनों के अलावा कोई केस हो? सर ये नीलो पर, इन तीनों की फैमिली को हाजिर करो। ठीक है सर। सर मालती तांबे और तबस्सुम शेख ये दोनों अपने घर लौट गई थी, और उनके घर वालों ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। तीसरी नीलोफर जी, उसकी फैमिली अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है। शिफ्ट में? जी सर, हमें 2 नंबर दिए गए थे, एक उसके पति इमरान का और इमरान के बड़े भाई वसीम का, दोनों नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। एड्रेस क्या था? वो जो इमरान भाई यहाँ रहते थे ना, बहुत ही दुखी हो गए थे बेचारे। क्या हुआ था? दरअसल उनकी जोरू नीलोफर वो गायब हो गई थी ना, तो वो लोग सब छोड़ छाड़ के चले गए, अपने गांव चले गए हमेशा के लिए। उनका गांव कौन सा है? ये तो नहीं मालूम साहब। हाँ वो लोग यूपी के थे। अच्छा, इनके बारे में और कोई कुछ मुझे बता सकता है? उनके बड़े भाई वसीम भाई भी यहीं रहते थे, मगर वो भी छोड़ के चले गए, और इमरान भाई और वसीम भाई की बहन मिनाज भी यहीं कहीं रहती थी, मगर वो भी अपने पति और बच्चे के साथ चली गई गांव। मतलब ये सब किराए के मकान में रहते थे?
हाँ। उनका मकान मालिक कौन है? इस पूरी बस्ती का एक ही मकान मालिक है, ये नंबर लीजिए। बात हुई मकान मालिक से, पेपर वर्क नहीं हुआ था, किराया कैश दिया जाता था, और ये तीनों फैमिली एक के बाद एक यूपी निकल गई। याद आया मुझे दोनों भाइयों का चेहरा। एक की पत्नी गायब हुई थी, जवान सा था, और उसका एक बड़ा भाई भी था, कह रहा था कि कहीं भाग गई होगी। करेक्ट सर, बड़े भाई ने नीलोफर को चारकोप में देखा था और दोबारा उसे अंदर स्टेशन पर देखा था, लेकिन नीलोफर रुकी नहीं, भाग गई थी। उसके पति को समझाया भी था मैंने कि जैसे खुद से होकर भागी है वैसे खुद से वापस भी आ जाएगी। पति काफी दुखी सा लग रहा था। अर्जुन, इस फैमिली को ट्रेस करता है, भले एक बार फिर से अंधी गली क्यों ना। सर, ये भाई लोग जहाँ रहते थे उनके मुस्लिम कम्युनिटी में ऑपरेट करने वाले मेरे दो खास खबरी हैं, ये दोनों उनके गांव का नाम और मोबाइल नंबर निकलवा सकते हैं। देखो भैया, ऐसा है, ये जो इमरान है ना, इसने एक बार अपना लव स्टोरी सुनाया था, बड़ा जबरदस्त है। भैया क्या बात है, हमें भी बता दो। नीलोफर जो है ऊंची जाति की है, तो निकाह तो हो नहीं सकता दोनों में। दोनों भाग गए और लखनऊ, और वहां जाके कर लिया निकाह। बच्चा हुआ, घर वालों को पता लगा तो मान गए, इसके बाद ही दोनों यहाँ मुंबई आ गए। वैसे यहाँ तो ठीक था ना, मियां बीवी के बीच? हाँ हाँ, अच्छा ही था, हमने तो कभी कुछ सुना नहीं। नीलोफर बड़ी शरीफ औरत थी, जब गायब हुई ना तो इमरान पगला सा गया। हाँ मैंने भी सुना, बेचारा। वैसे इनका गांव किस तरफ पड़ता है? हमारी तरफ के हैं, हम मेरठ से 3 किलोमीटर दूर दुआपुर के हैं, ये वसीम इमरान ये मुनीमगंज के हैं, 20 किलोमीटर दूर। वैसे वसीम इमरान इनमें से किसी का नंबर है आपके पास? नहीं भैया, गाँव मुनीमगंज, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, लेकिन कोई फोन नंबर नहीं मिल पाए उनके। तुम एक छोटी टीम के साथ मुनीमगंज चले जाओ, वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। नीलोफर की अभी तक कोई खबर नहीं है। क्या आप लोगों को कुछ पता है साहब, कहाँ चली गई है वो? जानती नहीं कि उसके शौहर और उसके बेटे का बुरा हाल हो रहा है। जी नहीं, नीलोफर को तो हम नहीं ढूंढ पाए, पर हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ मुंबई आ जाएं। क्यों? देखिए, कुछ 4 महीने पहले हमें एक लाश मिली थी, आप लोगों को चलकर देखना होगा, शायद नीलोफर की। इमरान तुम ही हो ना? हाँ साहब। नीलोफर तुम्हारी बीवी है? हाँ मेरी बीवी है। क्या हुआ साहब? अरे वो नीलोफर हो ही नहीं सकती। हाँ वो मेरी नीलोफर हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी नीलोफर मरी नहीं, वो जिंदा है। मैं तो बस यही चाहता था कि वो जहां रहे खुश रहे, बस। मेरी नीलोफर मर नहीं सकती। मैंने मना किया था, पुलिस तक नहीं जाते, देखा क्या हुआ, शैतान की तरह पुलिस हमारी पीछे पड़ गई है, यहां तक पहुंच गई है, ये हमारे छोटे से गांव में। पुलिस वाले बोले मुझे उनके साथ आना पड़ेगा और मुझे जाना ही होगा। वसीम भाई आप भी चलोगे ना मेरे साथ? मुझसे अकेले नहीं होगा। तू मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है इमरान? अरे मैंने देखा है नीलोफर को, वो जहां भी है सही सलामत है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो तेरे साथ रहना नहीं चाहती। वसीम भाई फिर भी एक बार, सिर्फ एक बार चढ़ के देख लेते हैं ना, ताकि दिल को तसल्ली मिल जाए कि वो हमारी नीलोफर नहीं है। नहीं है मेरी नीलोफर, इतनी मोटी कभी थी ही नहीं, ये मेरी बीवी नहीं है साहब। अच्छा, लाश के दाएं पैर की उंगली से एक बिछिया मिली है।
दाहिनी जांघ का जन्म का निशान मैं पहचानती हूँ, दिलों पर ही है, दिलों पर बैठा। अल्लाह अच्छी है ना? हाँ बढ़िया एकदम। ये वाली कितने की है? 1200। थोड़ी चुप सी रही है और इतनी खास भी नहीं लग रही मुझे, एक काम करिए रहने दीजिए। शुक्रिया। चलिए इमरान। अरे इमरान छोड़ो, अभी छोड़ो रेहान के उठने से पहले सारा काम करना है। नहीं पहले आंखें बंद करो। अरे अभी नहीं, खाना बनाने दो। बस एक सेकंड के लिए बंद करो। इमरान तुम भी ना। अच्छा चलो जल्दी करो ना इमरान। ये क्या है? खोल के देखो। 1200 रुपए की थी इमरान। हाँ तो मैं पसंद भी तो आई थी, उसके बाद जो एक्टिंग हुई है ना पसंद नहीं आ रहा है, चुभ रहा है ये। लव यू। जुलाई को वो घर से गायब हुई थी। जी सर, पड़ोसन ने बताया कि घर का दरवाजा ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। जब वो बच्चा घर पर आया तो देखा माँ नहीं थी। घर के अंदर जाकर देखा तो चूल्हे पर आधा पड़ा हुआ खाना ठंडा हो रहा था। फिर बच्चा पड़ोसन के पास गया, फातिमा नाम है उसका, वो उसे लेकर इमरान के बड़े भाई वसीम के घर गई। वहां ताला लगा हुआ था। फिर उसके बाद उसने इमरान और वसीम की बहन मिनाज को फोन किया और फिर कई दिनों बाद इस बड़े भाई वसीम ने निलोफर को देखा। सर मेरी डायरी में एंट्री है, 10 जुलाई को चारकोप में वसीम ने निलोफर को देखा और 14 को रिपोर्ट की उसने। उसके बाद 21 जुलाई को उसने अंधेरी स्टेशन पर निलोफर को फिर से देखा। 10 जुलाई को वसीम ने निलोफर को चारकोप में देखा और उसी दिन हमें सड़ी हुई फूली हुई 3 से 7 दिन पुरानी लाश मिली निलोफर की। जी सर। इंटरेस्टिंग। ब्लाउज ओपन। पुलिस ने नीलोफर के माता पिता और उसके भाई से बात की, मोहल्ले के सभी लोगों से बात की, इस जोड़े के अतीत की पूरी छानबीन की, लेकिन नीलोफर और इमरान के बीच की कोई भी अनबन उनके सामने नहीं आई। पता ही नहीं चल पा रहा था कि नीलोफर क्यों और कैसे गायब हुई थी और मारी क्यों गई। पर इस केस में पुलिस के पास बतौर सुराग एक झूठ था, एक साफ साफ नजर आने वाला झूठ। वसीम 10 जुलाई को तो चारकोप गया था, क्यों गया था? काम से गया था साहब। हाँ लेकिन काम क्या था भाई? वो अभी याद नहीं है साहब। तो चारकोप में तूने निलोफर को देखा, उसे आवाज़ लगाई और वो ऑटो में बैठकर भाग गई, है ना? हाँ साहब। और ये बात तूने अपने भाई इमरान को फ़ोन पर बताई? हाँ साहब, जैसे ही मैंने निलोफर को देखा वहाँ पे चारकोप में, मैंने तुरंत इमरान को मोबाइल करके बता दिया। और उसके बाद 21 जुलाई को तूने निलोफर को अंधेरी स्टेशन पर देखा? हाँ साहब, तभी मैंने फ़ोन किया इमरान को तुरंत। चारकोप में और अंधेरी स्टेशन पर जब तूने निलोफर को देखा, उसे आवाज़ लगाई और वो मुँह छिपाकर भाग गई, तब तू अकेला था या कोई था साथ में तेरे? अकेला था साहब। जब 21 जुलाई को तूने अंधेरी स्टेशन पर निलोफर को देखा तो तू कौन से प्लेटफॉर्म पर था और निलोफर कौन से प्लेटफॉर्म पर थी? बहुत दिन हो गए ना साहब, अभी प्लेटफॉर्म याद नहीं है साहब। तू चारकोप क्यों गया ये बात तुझे याद नहीं है, अंधेरी स्टेशन का प्लेटफॉर्म तुझे याद नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ी बात थी। तूने अपने छोटे भाई की गायब बीवी को देखा था और सिर्फ तूने देखा था। मैं भी यही सोच रहा हूं साहब, ये कैसे हो सकता है, जबकि निलोफर तो पहले ही मर चुकी थी। सब हो सकता है, मैंने निलोफर की हमशक्ल को देखा होगा, ऐसा हो सकता है ना? होता है सर, होता है सर। वसीम ये जो फुटेज है ना,
ये 21 जुलाई की अंधेरी स्टेशन की फुटेज है, सारे प्लेटफॉर्म्स की, सारे एंगल्स की। हमने इस फुटेज में नीलोफर को ढूंढा, हमें देखी नहीं। उसके बाद हमने तुझे ढूंढा, तू भी कहीं नहीं देखा। सब शायद मैं 21 तारीख को नहीं, 20 या 22 को गया रहूंगा शायद। हमें भी ऐसा लगा था, क्या है कि एक दो डेट ऊपर नीचे हो जाती है। इस वजह से हमने 19 जुलाई से 23 जुलाई के बीच की सारी फुटेज चेक की, लेकिन उसमें हमें ना तो तू कहीं दिखा और ना नीलोफर। अब बोल, 19 जुलाई से पहले की और 23 जुलाई के बाद की भी फुटेज चेक करें? मैं क्या बताऊं साहब? सच बता दे वसीम, तेरा जो मुंबई का नंबर था ना, जिसे बंद करके तो गांव में भाग गया था, उसकी सारी डिटेल्स निकलवाई हमने। 10 जुलाई को तो कुरला में ही था, 4 कोप तो दूर की बात है। ना तो 4 कोप में था ना अंधेरी में। नीलोफर तो दूर की बात, तूने नीलोफर की किसी हम शक्ल को भी नहीं देखा, सही कह रहा हूं? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे गाय को पकड़ा लो। अरे मैं तो कुछ बेकसूर हूँ यार, मेरे गाय। साहब, आप लोगों ने मेरे भाई को अंदर क्यों किया? तुम्हारे वसीम भाई ने नीलोफर को ना 4 कोप में देखा था और ना ही अंधेरी में। हाँ तो साहब, किसी और को देखा होगा फिर उन्होंने। मेरी बीवी के मर्डर केस से मेरे भाई का क्या ताल्लुक? देखो इमरान, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ गेम खेला। नहीं साहब, वसीम भाई मेरे लिए बाप समान है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जब नीलोफर चली गई थी ना, तो उन्होंने मेरे को संभाला था। आप लोग उनको अंदर नहीं कर सकते। नीलोफर का कत्ल तुम्हारे वसीम भाई ने ही किया। नहीं साहब, ये क्या गलत गलत बोल रहे हैं आप लोग, ये सब झूठ है। 5 जुलाई इतवार का दिन था, दोपहर को कत्ल हुआ तुम्हारे वसीम भाई के घर। क्या बकवास है साहब, ये ऐसे कैसे हो सकता है? एकदम गलत बात है साहब ये। तूने जो अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ किया है ना, उसके हिसाब से मार कुछ नहीं है, हम ना तेरी खाल उतारने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना है क्यों, कब और कैसे। और अगर तूने थोड़ा भी झूठ बोला तो यकीन मान बहुत तड़पेगा। नीलोफर के मर्डर में तुम्हारे भाई के साथ 2 लोग और शामिल थे, एक तुम्हारे मोहल्ले का नदीम और दूसरा तुम्हारा जीजा। उन्होंने उसके कपड़े जलाए, गहने, ताबीज और एक बिछिया भी, दूसरी बिछिया वो निकाल नहीं पाए थे। नदीम को भोपाल से और दूसरा तुम्हारा जीजा को कानपुर से हमने उठा लिया है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मैं मानता हूँ इस केस में हमें ज्यादा टाइम लग गया, हमसे थोड़ी चूक हुई लाश की उम्र को लेकर। फन लाश को तुम 4 महीने पहले देख चुके होते, बिछुआ भी। तेरे लिए सही नहीं थे इमरान, कभी भी नहीं। इतनी गलत थी कि आपने उसके लाश को भी गंदा किया। जितना भरोसा मैं नीलोफर पे करता था ना, उतना ही भरोसा मैं आप पे भी करता था। इमरान और नीलोफर अलग अलग बिरादरी से थे, उनकी शादी को लेकर दोनों बिरादरियों में कई लोग नाराज थे, लेकिन वक्त के साथ साथ सभी ने अपनी नाराजगी भुलाकर नीलोफर, इमरान और उनके बच्चे रेहान को अपना लिया था। सबने ना सिर्फ अपनाया बल्कि इन दोनों के प्रेम ने दो परिवारों के बीच की दूरी को भी थोड़ा सा कम कर दिया था। बस वसीम और सिर्फ वसीम ही एक ऐसा शख्स था
जो नीलोफर को अपने छोटे भाई की बीवी के रूप में अपना नहीं पाया। इमरान को कभी समझ में नहीं आया कि वसीम को उसकी पत्नी नीलोफर से इतनी नाराजगी क्यों थी, और वो भी 5 साल बाद, वो भी इतने भयानक और इतने विकृत तरीके से बाहर क्यों आई। वसीम की पत्नी शाजिया और बहन मिनाज भी वसीम के अंदर उबल रहे इस गुस्से के तेजाब को कभी भांप नहीं पाए। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।